सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूर्वांचल सब्जी मंडी के व्यवसायियों ने गरीबों में वितरण किया खाद्य सामग्री। महेवा स्थित पूर्वांचल का सबसे बड़ा सब्जी व्यवसाय के कारोबारियों ने गरीबों में वितरण किया खाद्य सामग्री, जिसमें दाल, चावल, तेल, सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थ रहे मौजूद। पूर्वांचल का सबसे बड़ा सब्जी मंडी गोरखपुर के नवीन महेवा मंडी के थोक और फुटकर विक्रेताओं द्वारा पूर्वांचल सब्जी मंडी फल थोक विक्रेता कल्याण समिति के अध्यक्ष संजय शुक्ला के नेतृत्व में तमाम व्यवसायियों द्वारा कोरोना वायरस से फैली महामारी को देखते हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए हर गरीब तबके के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। फल और सब्जी व्यवसायियों ने गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन, यातायात कार्यालय, गोलघर, धर्मशाला जैसे विभिन्न जगहों पर दिहाड़ी मजदूर, भीख मांगने वालों तथा अन्य लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। क्या नाम है आपका? हाजी रमजान मेकरानी। आज आप लोग क्या वितरण कर रहे थे? क्या हम लोग पूर्वांचल सब्जी फल थोक विक्रेता कल्याण समिति की तरफ से हमारे व्यापारी बंधुओं ने सहयोग से जो है ये हुआ है कि लमसम एक हफ्ते तक 200 पैकेट जो है उसमें जो है सब्जी है, प्याज है, आलू है, टमाटर है, नमक है, मिर्चा है, ये सब का वितरण जो है 200 पैकेट आटा सब दे करके व्यापारियों ने ये कहा कि जो गरीब बस्ती है जहाँ भी गरीब जहाँ तक सामान ना पहुँचता हो वहाँ तक पहुँचाने का वो किया जाए। तो आज हम लोग निकले थे पैकेट लेकर के, कुछ स्टेशन पे जो है गरीब बस्तियों में दिया गया, कुछ गोरखनाथ क्षेत्र में जो है मंदिर के पास, वो थाने के पास जो है कुछ गरीब आए थे वहाँ पे सब बांटा गया है। अब कल जो है प्रोग्राम हम लोगों का डोमिनगढ़ साइड हो सकता है कि लगेगा। इसी तरह जहाँ जहाँ गरीब बस्ती है और जिस तरफ वो सामान नहीं पहुँच रहा खाने पीने का वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन बताया कि प्रशासन से पूछा जा रहा है, वो अगर बता रहे हैं तो वहाँ तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ गरीब तक पहुँच जाए। हमारे यूनियन ने कहा कि जहाँ तक सही होगा वहाँ तक आप लोग करिए, और हम लोग सब्जी के माध्यम से मंडी में सब्जी की कमी होने के लिए कहा व्यापारियों ने कि कमी नहीं होगी, जितनी भी सब्जी आएगी वो भरपूर मात्रा में किसी को महंगी सब्जी नहीं मिलेगी हम लोग। हाँ, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल सब्जी फल थोक विक्रेता कल्याण समिति में हवा मंडी गोरखपुर। आज क्या आप वितरण कर रहे थे? क्या आज हमने जो है व्यापारियों के सहयोग से मैंने खाद्य सामग्री वितरित किया गया, जिसमें हमारे साथ महामंत्री और हमारे उपाध्यक्ष अजी सब लोग मौजूद थे और व्यापारीगण भी मौजूद थे। जिसमें मैंने देखा कि अभी मैं रेलवे स्टेशन के पास जो एक बस्ती है जो 45 साल से लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे मैंने जाके वितरण किया। उसके बाद मैं गोरखनाथ थाने के क्षेत्र में जो है वहाँ पर वितरित किया। तो क्या ये कब तक चलने वाला है और कब तक चलाएंगे इसको? इसको हमारे व्यापारियों की तो ये सोच है या मेरी भी सोच है कि जब तक हम लोगों का एक हफ्ता से कम जो है चलेगा, 200 पैकेट डेली जो है हम बनवा रहे हैं और उन गरीब बस्तियों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जिनको जो है वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बिल्कुल वो निहायत उसके आश्रित हैं, उनको जरूर मिले, यह मेरा प्रयास है।